अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबके रिज़क में कसरत और बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये हम जा रहे थे सेंट्रल और हमारा अचानक प्लान बना कि यार सेल लगी हुई, क्यों ना इस सेल का मज़ा लूट लिया जाए। और फिर हम निकले निकले कि अभी तो हम तैयार हो रहे थे और तैयारियां हमारी जारी थी सेंट्रोर्स निकलने के लिए। हाँ यार, जब भी हम लोग तैयार होते हैं हमेशा लेट ही हो जाते हैं उफ, ना। बहुत ज़्यादा। मेरी तो पता नहीं क्या आदत है, मैं कभी भी किसी भी जगह पे टाइम पे नहीं पहुंचती। हालांकि ये मैंने आदत अपनी, मैं कहती हूँ छोड़ूंगी छोड़ूंगी, लेकिन फिर मैं छोड़ नहीं सकती यार, बहुत लेट हो जाती हूँ। लेकिन फिर ये ड्रेस डिसाइड करी थी कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ, तो फिर मैंने इसको निकाल के दिया। मैंने कहा तुम इन दोनों में से तो मुझे कोई वाइट वाइट ही, कहती है वाइट मेरे फेस पे सूट नहीं करता। फिर मैंने उसको कहा चलो तुम ब्लैक पहन लो। फिर मैंने इसको ब्लैक निकाल के दिया, चलो बच्चे यही पहन लो। और फिर यहाँ पे ये ड्रेस हमारा डिसाइड हो गया था, मैंने भी ब्लैक पहनना था और इसने भी ब्लैक पहनना था। इसका फुल ब्लैक था और ऊपर जो था दुपट्टा डिफरेंट था। मेरा ये था कि ब्लैक जो था थोड़ा सा डिफरेंट था। और यहाँ पे हम फिर रेडी शेडी हो गए थे और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि सेल लगी थी, इतने मज़े मज़े की सेल। तो फिर मैंने कहा चलो। हाँ, लेकिन ये है कि जब सेल लगा करे तो बंदा जो है ना फर्स्ट डेज में चला जाया करे, जैसे फर्स्ट सेकंड या थर्ड में। थर्ड तक तो कुछ बचता ही है ना सेकंड में, लेकिन फर्स्ट डे पे रश बहुत ज़्यादा होता है, फिर एंड पे चीट रही ही बचते हैं। आपके लिए कोई इतना ख़ास नहीं होता वैसे तो। और यहाँ पे ये मॉम ने क्या बनाया था, ये हम ना एक कश्मीरी डिश होती है, क्या इसको बोलते हैं, तो ये हमने बनाई थी, बड़ी मज़े की थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी है हाँ, ये। वैसे ये रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ जल्द अज़ जल्द, लेकिन ये है कि ये फिर रिकॉर्ड नहीं हो फिर हमने सकी। कहा यार थोड़ा सा खा के जाते क्योंकि नाश्ता किया था, तो ये ना हो कि हमें रास्ते में भूख लग जाए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अभी हम हैं रास्ते में जा रहे हैं, अल्लाह करे यार कोई अच्छी चीज़ें मिल जाए। वैसे मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी मैं चाहती हूँ मुझे अच्छी चीज़ नहीं मिलती। जब मैंने चीज़ लेनी होती है तब मुझे नहीं मिलती, लेकिन जब मैंने नहीं लेनी होती है, कुछ नहीं चाहिए होता, तब बड़ा अच्छा अच्छा कुछ और मिल रहा लास्ट टाइम होता जब है। हम लोग याद है तुम्हें ईद पे गए हुए थे, उफ अल्लाह बिल्कुल भी अच्छा कुछ भी नहीं था, कुछ भी। इतना हमने सेंटोर्स भी गए थे, सफ़ा भी गए थे, और लेकिन हाँ, फिर भी ईद हमें पे इन कुछ नहीं लोगों ने मिला। अच्छी कलेक्शन ही निकाली थी ना उस बार, लेकिन कभी कभी बड़ी अच्छी कलेक्शन होती है सबकी, लेकिन उस टाइम पे जो है ना किसी की भी नहीं थी, क्योंकि लोगों की मजबूरी होती है, उन्होंने कपड़े तो लेने ही होते हैं भाई, ख़ास तौर पे ख़वातीन ने। और फिर यहाँ पे हम बोनांसा में चले गए थे। बोनांसा में हमने कहा चलो देख लेते हैं, 60% ऑफ था, अप टू 50% था, फ्लैट नहीं था। तो फिर हम देख रहे थे कि कौन सा कोई अच्छा लगा, तो फिर देखते हैं। और फिर ये देख रहे थे हम अनस्टिच्ड अनस्टिच्ड कलेक्शन, इनमें कुछ अच्छी थी तकरीबन। अच्छा ये जो बेसमेंट में इनका बुनाइंजा था यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो ऊपर था उसमें काफ़ी अच्छा था, वहाँ से तो हमने लिए भी थे। और ये जो ब्लैक थे वैसे मतलब ये है मुझे भी छोटा सा है ना, ऊपर है भी बड़ा है नहीं, ना। ऊपर छोटा है नीचे जो है ये वाला बड़ा है। अच्छा, लेकिन बस ऊपर से मुझे पसंद आ गई थी तो फिर वहाँ से ले लिया हमने। ऐसे ये था कि यहाँ पे नीचे में ये था कि रश ज़्यादा था, लेकिन हम लोगों ने ये था कि ज़्यादा जो है ना इतना घूमे नहीं थे। और ये तो मिरर सेल्फी तो भाई मस्ट है, मिरर सेल्फी तो मस्ट है। हाँ और फिर यहाँ पे ड्रेसेस हम देखे जा रहे थे, अच्छे थे। वैसे अनस्टिच्ड ये था हमारा कि लेने तो थे, बट हमने कहा चलो बाकी भी देख लेते, एक्सप्लोर कर लेते हैं, बाकी सब भी अगर अच्छा मिलता है तो ले लेते हैं। और जो है, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चेक नहीं किया था, लेकिन कुछ कुछ शॉप्स पे हम लोग गए थे ब्रांड्स पे, तो वहाँ से ही हमने देखी चीज़ें। और यहाँ पे फिर हम चले गए थे बोनांसा, सतरंगी में चले गए थे। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा फिरे थे यार, देख देख के चीज़ें। हाँ और यहाँ पे फिर मेरी एक फ्रेंड आ गई थी, उससे भी मेरी मुलाकात हो गई। फिर हमने कहा चलो साथ में शॉपिंग करते हैं। कौन सी दिखाओ? हाँ मैंने कभी रेड पहना रेड नहीं, नहीं नहीं ये नहीं अच्छी लग रही मुझे, लेकिन वो पता है सर चुनने थे मज़े की लग रही है, बैगी के ऊपर ही कितना मज़े की लग रही है, मतलब लॉन्ग भी है पीछे से होती है। ट्राउज़र है इसका दिखाओ। और ये शर्ट मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि मैंने कहा लेट्स ट्राई। फिर मैंने ये ट्राई की और ये बहुत ज़्यादा सूट कर रही थी मुझ पर। और इसके साथ भी मैंने जीन्स भी ये जो थी स्किन कलर की ये मैंने ट्राई की। तो
अब हम आ गए थे एथनिक में, कि एथनिक तो मेरा फेवरेट ब्रांड है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। यहाँ पे इतना इस दफ़ा इन लोगों ने बिल्कुल भी मेरी पसंद का तो कुछ भी नहीं था लिटरली। तो बस हम यहाँ पे कि चक्कर लगा के फिर वापस हम निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ भी पसंद नहीं लेकिन आया। यार जस्ट शर्ट्स पे हम लोग प्राइसेस देख के हैरान रह गए यार, इतना एक्सपेंसिव, इतना एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यार, कि बंदा हैरान होता है कि कितना है, एम्ब्रॉयडरी भी नहीं हुई और इतना ज़्यादा, तो बड़ा मुश्किल है यार। और अच्छा भी तो नहीं था। अक्सर ये होता है कि चलो चीज़ अच्छी हो, पैसे लगाते हुए भी मज़ा आता है, लेकिन चीज़ अच्छी ना हो और पैसे भी इंसान लगा ले, वो दुख ही अलग होता है। हाँ तो यहाँ पे हम लोग देखने आ गए थे, शूज़ देखने आ गए थे, काफ़ी चेक किए हम लोगों ने, लेकिन ये है कि मेरा ये होता है कि कम्फी आपके पास होने चाहिए ना, इजी टू वेयर होने चाहिए, कि बंदा जब कहीं जाए ना, और ख़ास तौर पे शॉपिंग करने जाए, तो बिल्कुल सॉफ्ट जूता होना चाहिए आपके पास, नहीं तो इतना वो ना हाल होता है सॉफ्ट यार, नहीं होना इतना चाहिए वो जितना तुमने हाल। जोर लगा के इसको सॉफ्ट बोल दी है। इतना ज़्यादा सॉफ्ट ना लीजिएगा आप, ओके? थोड़ा सा कम सॉफ्ट लीजिएगा। अच्छे थे यहाँ पे, लेकिन ये था कि तुम्हें फिर यहाँ पे कंफर्टेबल कोई नहीं मिले थे यहाँ पे जूते। हाँ यहाँ पे मुझे नहीं मिले थे यार, मुझे सही कम्फी चाहिए होते हैं, लेकिन तुम्हारा तो ये, मैं तुम पे हैरान हो रही थी यार, इतने वो सोल इसका। हाँ सोल तो मेरा बारीक था उस जूते का, लेकिन वो फिर तुमने एक्सचेंज भी तो किए थे। मैंने तुम्हारा जूता पहना था, फिर तुमने मेरा जूता पहना था। तुम बोल रही थी तुम्हारे सॉफ्ट मैं पहनती हूँ, और यहाँ पे ये लोग भी दोनों ट्राई कर रही थी जूते पहन के कि कौन से अच्छे हैं कौन से सॉफ्ट हैं, क्योंकि इनको जूती चाहिए थी सॉफ्ट। ऑफकोर्स जब आप शॉपिंग पे जाते हैं तो फिर आपको जूती सॉफ्ट चाहिए होती है, वरना आपके पाँव का अच्छा जूता और अच्छी क्या चीज़ होती है अगर अच्छे ना हो तो फिर आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। कुछ ऐसा था, अगर आप लोगों को याद है तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन जूता मुझे याद है क्योंकि हमारी अभी जूते के बारे में बात हो रही है। तो ठीक है, फिर ये भी जूती ट्राई कर रही थी, लेकिन फिर ये हमने कहा कि जूते चलो नेक्स्ट में देख लेते हैं, क्योंकि ये अभी फर्स्ट ब्रांड था जूतों वाला जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे थे। तो यहाँ पे ये ट्राई कर रही थी जूते, इसको यहाँ पे पसंद नहीं आए क्योंकि ये सॉफ्ट नहीं थे। फिर हमने कहा चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कोई। फिर ये हम आ गए थे अगले ब्रांड पे, कौन सा ब्रांड था ये? आई थिंक ये था जलबरी, तो नहीं था ये नहीं जलबरी तो नहीं है, लेकिन जो है ना बीट्री था इन आई लोगों ने गेस। अब जो है ना समर्स का भी और विंटर का भी स्टफ है निकाल लिया इन्होंने, और जो फुल फॉर्म बताओ नहीं बताओ बताओ पता बताओ नहीं तो नहीं ओपिनियन। अच्छा फुल फॉर्म बताओ ना ओपीटीपी की। वन पोटैटो टू पोटैटो, मुझे भी उसी नहीं आ गया। A few moments एक्चुअली later, यहाँ पे हमने OPTP के फ्राइज़ ऑर्डर कर लिए थे, ये थे लोडेड फ्राइज़, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। अगर आपने टेस्ट नहीं किया अब तक तो प्लीज़ मेरे कहने पे इसको टेस्ट कीजिए और फिर मुझे रिव्यू दीजिए कि ये कैसे हैं। तो जब तक हमने कहा कि चीज़ में तो लेट था, फिर हमने OPTP के फ्राइज़ ही ले लिए, और फिर बाद में हमने चीज़ में साथ ऑर्डर किया हुआ था। वहाँ पर 15 से 20 मिनट, तकरीबन 25 मिनट्स तो लग गए थे हमें, और फिर हमने इतना खाया इतना खाया क्योंकि हम चल चल के बहुत ज़्यादा थक गए थे। हाँ यार ये होता है कि शॉपिंग करते हुए भूख तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लगती है, और दूसरा ये कि सुबह हम लोग सिर्फ नाश्ता करके गए हुए थे, और इनके रोल बड़े मज़े के थे, है ना? रोल भी और इनका पिज़्ज़ा भी उफ बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा भी। होता है। हाँ हाँ तो ये बड़े मज़े मज़े के हमने ना, फिर उसके बाद हमने ये फिनिश करके फिर हमने कहा चलो आइसक्रीम भी लेते हैं, मैकडोनल्ड्स की आइसक्रीम की तो बात ही कुछ और है, तो फिर हमने आइसक्रीम भी ले ली थी यहाँ पे। हाँ वो तो मस्ट है यार, उसके बाद जो है ना खाओ, और आइसक्रीम लाजमी आप लोग ट्राई करें इनकी, और है भी रीजनेबल है ना। कौन फिर ये दोनों खा रही थी और मैं इनकी वीडियो बना रही थी, और ये दोनों कैट वॉक करके ऐसे चल रही थी जैसे पता नहीं क्या है, और यहाँ भी हम वेट कर रहे थे क्योंकि हमने एक ब्रांड में जाना था और वहाँ पे फूड अलाउ नहीं था। फिर हम यहाँ पे खड़े होकर साथ गप्पे भी लगा रहे थे और साथ जो है आइसक्रीम भी फिनिश कर रहे थे, तो ये सीन था। और फिर यहाँ पे हमारा लंच लंच क्या, हमारी आइसक्रीम जो थी फिनिश हो गई थी। फिर मैंने कहा कि चलो जलबरी का एक चक्कर लगाते हैं, जलबरी वो वाहिद ब्रांड है मेरे ख्याल से, मेरे जहाँ तक नॉलेज है, कि यहाँ पे सेल नहीं लगती क्योंकि इनकी प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल होती हैं। अगर आपने यहाँ से कभी कुछ बाय नहीं किया, कभी आपने विज़िट नहीं किया, तो आप मेरे कहने पे लाजमी लाजमी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। फिर हम आइसक्रीम फिनिश करने के चक्करों में भी थे कि भाई लेट हो गए हैं कि आइसक्रीम जल्दी फिनिश हो, क्योंकि अंदर फूड अलाउ नहीं करते किसी भी ब्रांड में, बाहर लिखी उन्होंने लगाया था नो फूड नो एंट्री। और यहाँ पे मैंने ड्रेस ले लिया था, एक स्टिच था ये, और फिर ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि इतनी अच्छी ड्रेसिंग, इतने अच्छे ड्रेसेस मुझे मिले थे रीज़नेबल, कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि यार
वाकई में हमें इतने अच्छे मिले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ईद पे और कभी भी मैं गई हूँ ना मैंने शॉपिंग करने के लिए, तो मुझे कभी भी इतने अच्छे ड्रेसेस नहीं मिले, और रीज़नेबल भी थे अच्छे के अलावा। रीज़नेबल उसकी खुशी ही अलग होती है कि चीज़ अच्छी भी मिल जाए, सस्ती भी मिल जाए और आपकी पसंद की भी हो। तो भाई ये बुनैनसा के बाहर फिर हमने यहाँ भी जो स्टॉल लगे हुए, तो यहाँ से मुझे इयररिंग्स चाहिए थे वो एक डोली वाले छोटे से, बट वो यहाँ पे मुझे नहीं मिले। उनको मैंने बहुत ढूंढा भाई, कमर्शियल ढूंढा, इतनी जगह पे मैंने ढूंढा बट वो मुझे नहीं मिले। अब मुझे दो तीन जगहें रह गई हैं वहाँ पे मैंने सुना के हैं। तो फिर हमारा घर अब वापसी हो गई थी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, 11:30 तकरीबन 12 हो गए थे, कि कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी कि किधर हो किधर हो। फिर हमने कहा कि भाई शॉपिंग अब की है, जहाँ पे बंदा जाता है वहाँ पे देर से देर तो हो ही जाती है, ये तो मेरा डायलॉग है वैसे। चलो जी ओके, अब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।